सो फ्रेंड, यह है आइकोनियो 6 स्मार्टफोन और इस डिवाइस की करने वाला हूँ मैं आज गेमिंग टेस्ट। मैं आप लोग को इस डिवाइस में फ्री फायर मैक्स प्ले करके दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये डिवाइस गेमिंग परफॉर्मेंस में कैसा है। तो ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यस, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने ये गेम ऑन कर लिया है और अब मैं आप लोग को इसका ग्राफिक सेटिंग दिखाता हूँ। तो आप ग्राफिक्स को देख सकते हैं, मैंने मैक्स पर सेट किया है और रिजोल्यूशन को भी मैंने हाई पर सेट किया है। और मैं बात करूँ FPS की, तो FPS को भी मैंने हाई पर सेट किया है। तो मैंने इसके ग्राफिक्स को मैक्स सेटिंग पर रखा है और मैं आप लोग को इस गेम को इसी ग्राफिक सेटिंग पर प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसके मैच को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं गेम काफ़ी अच्छे से रन हो रहा है। गेम को प्ले करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। मैं फ्री फायर फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा हूँ और मुझे इसके जो ग्राफिक्स है वो उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं डिवाइस के हिसाब से इसके ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गेम की ही ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ। ग्राफिक्स में मुझे उतने अच्छे डिटेल देखने को नहीं मिल रहे हैं इस गेम के हिसाब से। मैंने BGMI प्ले किया है और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को फ्री फायर ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर BGMI। वैसे आप देख सकते हैं ये गेम इस डिवाइस पर काफ़ी अच्छे से रन हो रहा है। तो अगर आप इस डिवाइस पर फ्री फायर मैक्स प्ले करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से मैक्स ग्राफिक्स पर इस गेम को काफ़ी अच्छे से प्ले कर सकते हैं। इस डिवाइस में आप लोग को स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा और पावरफुल प्रोसेसर है। तो आप इस डिवाइस पर बड़ी आसानी से हैवी गेमिंग कर सकते हैं। मैंने इस डिवाइस पर काफ़ी सारे गेमिंग टेस्ट किए हैं जैसे कि एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स, BGMI, एपेक्स लेजेंड्स। तो अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो आप बड़ी आसानी से उन सभी वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैं इस डिवाइस पर फ्री फायर मैक्स काफ़ी अच्छे से प्ले कर पा रहा हूँ। मुझे इसे प्ले करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप इस डिवाइस पर बड़े आसानी से इस गेम को मैक्स ग्राफिक सेटिंग पर प्ले कर सकते हैं। तो मेरी गेमिंग कंप्लीट हो चुकी है और बात करूँ मैं इस डिवाइस की गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मैंने इस गेम को मैक्स ग्राफिक सेटिंग पर प्ले किया है और गेम को प्ले करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी स्मूथ तरीके से ये गेम इस डिवाइस में रन हो पाया है। तो अगर आप इस डिवाइस पर फ्री फायर मैक्स मैक्स ग्राफिक सेटिंग पर प्ले करना चाहते हैं तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और मैंने इस डिवाइस पर और भी गेमिंग टेस्ट की है जैसे कि एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स, BGMI, एपेक्स लेजेंड्स। काफ़ी सारे गेम्स मैंने इस डिवाइस पर टेस्ट किए हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप बड़ी आसानी से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस डिवाइस पर टोटल 45 मिनट गेमिंग की है और 45 मिनट में इस डिवाइस में सिर्फ 10% का बैटरी ड्रॉप आया है। तो इस डिवाइस की जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छी है। और अब मैं इस डिवाइस का टेम्परेचर चेक करता हूँ कि ये डिवाइस कितना हीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइस मैक्स 42 डिग्री पर है, तो ये डिवाइस हीट भी नहीं होता है ज़्यादा। तो आप इस डिवाइस पर लंबे टाइम तक गेमिंग कर सकते हैं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
और मैंने इस डिवाइस के बारे में आप लोग को सारी चीज़ें बता दी है डिटेल में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस डिवाइस से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसी तरीके की गेमिंग वीडियो देखने के लिए, टेक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप सेफ, थैंक यू।